स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी शेल डिस्कस दी रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू हाइपॉक्सिया हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी या बॉडी के किसी भी पार्ट के पास एडिक्एट ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो इसे हाइपॉक्सिया कहते हैं वाटरी और एकटिक इन्वायरामेंट जो हैं उनमें ऑक्सीजन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है Easily aquatic animals are faced with more frequent and rapid changes in the oxygen levels. Many aquatic animals can withstand very long periods of hypoxia. Many aquatic animals respond to hypoxia by utilizing anaerobic mechanisms. Many animals adjust their रेस्पाइटरी एंड कार्डियोवस्कुलर सिस्टम्स टू मेनटेन एडिकुएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्राम हाइपॉक्सिक वाटर्स कुछ फिशेज जो हैं वो अपना गिल्स में वेंटिलेशन रेट को बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लो करे और मैक्सीम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा सके इसी तरह से जो रैम वेंटिलेटर्स हैं जो कि अपना मुँह ओपन करके आ, स्विम करती हैं सो so दैट के वाटर उनके अंदर एंटर हो और गिल्स पर से फ्लो करें ऐसे रेम वेंटिलेटर्स हाइपॉक्सिक वाटर में जिसमें ऑक्सीजन की क्वान्टिटी कम हो उसमें अपने माउथ को ज्यादा वाइडली ओपन कर देते हैं सो दैट टू एनहांस द एंट्री ऑफ वाटर इन साइड द माउथ एंड फ्लो ओवर दिल्सेंट नाउ वी शैल डिस्कस हाईपोक्सिया एट हाईड्स हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है एज ए रिजल्ट

आ, ये लंग वेंटिलेशन रेट इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि इन्वामेंट से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्ज़ॉर्ब किया जा सके जिसमें की क्वांटिटी कम है तो इसको आ, डील करने का यही तरीका हो सकता है आ, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी बन जाती है वो क्या है कि जब वेंटिलेशन रेट इंक्रीज़ करता है तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करना मकसद होती है लेकिन उसके साथ एक्सपायरेशन के वक्त बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मकदार में लूज होना शुरू हो जाती है दैट रिजल्ट इन ए फॉल इन दी एच इन दैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड रादर इट इंक्रीज इज दी एच ऑफ सेनल फ्लूएड इंक्रीज इन पी एच ऑफ द सेब्रोस्पाइनल फ्लूड कॉज इज ए रिडक्शन इन वेंटिलेशन तो ये तो काउंटर एक्ट कर जाती है ये वाला फैक्टर जो कि हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हाई वेंटिलेशन रेट था वो पीएच लेवल इंक्रीज करने की वजह से रिड्यूस हो जाता है अगर हाइपोक्सिक कंडीशंस कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रहे तो फिर एनिमल एक्लेमेटाइज कर जाता है आदि हो जाता है ब्लड की पी को और सी की यानी सैरी ब्रोस्पाइनल फ्लूड की पी को मैंटेन कर लिया जाता है बाय एक्सक्रीटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बाई कार्बोनेट This acclimatization takes some time. In humans, it takes about a duration of one week.